महिला हूँ मैं आप सब, मैं कभी बीच में नहीं जाती, मैं मैं सुबह स्कूल आ जाती हूँ, मेरे पे ये फोकस करके हर बात कही जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। साहब हद हो गई बेशर्मी की इस समाज में। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं कि जो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दिखाने से परहेज कर रहे हैं। आखिर करें भी क्यों ना, क्योंकि आखिरकार उनके पास इतनी खबरें हैं, किसान आंदोलन, वैक्सीन की खबरें, कोरोना की खबरें, एक्सीडेंटल की खबरें, लेकिन क्या ऐसी खबरों को उजागर कर पा रहे हैं जो सीधे सामाजिक तौर पर जुड़ी हुई हैं? कह सकते हैं कि मानसिकता इतनी घिनौनी हो चुकी है कि अब व्यक्ति शिक्षिका के लंच बॉक्स में पेशाब तक करने लगे हैं। साहब सुनने में बड़ा अजीबो और गरीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत क्या है ये तो ये महिला ही बताएगी। एक बार जरा ये पंचायत देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि आखिरकार किस वजह से ये पंचायत हो रही है। सब बराबर है। आपने मुझे कभी बीच में जाते हुए देखा है? आप बताओ। बढ़िया नहीं है। साल दो साल की मैं कसम नहीं खाती, कोई जरूरी काम होता है तो बीच में मैं एक आध बार गई हूँ। यदि मैं अधिकारी से भी पूछूंगी वो भी मुझे अलाउड करेगा कि मैडम आप चले जाओ, मैं कभी बीच में नहीं जाती। यदि मैं सुबह स्कूल आ जाती हूँ, मैं सबसे पहले मैं ही आती हूँ महिलाओं में, मैं आप सबके सामने ये बात कह रही हूँ, और सबसे बाद में जब पूरा महिला स्टाफ चला जाता है उसके बाद में मैं जाती हूँ। क्या मेरे घर में काम नहीं है? क्या मेरी जिम्मेदारियां नहीं है? कोई किसी भी समय आ रहा है, किसी भी समय जा रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने इनको क्या रखा है भाई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी सर्विस, मेरी जिम्मेदारी, मेरी चिंता, लेकिन प्लीज आप मेरे पे ही टारगेट मत करें। लेकिन यहाँ मेरे पे ही टारगेट, मेरे पे ही फोकस करके हर बात कही जाती है, तो मुझे महसूस क्यों नहीं होगी जी, बताइए। पंचायत की कुछ ही झलकियां थी ये साहब, तो पूरी बात ही बता दे कि आखिरकार पंचायत किस वजह से हो रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर के हैबतपुर प्राथमिक विद्यालय का एक मामला है, जहां पर शिक्षिका, सहायक शिक्षिका के पद पर जो महिला तैनात है वो अपने सहयोगियों पर एक आरोप लगा रही है सीधे तौर पर कि मेरे लंच बॉक्स में किस तरीके से पेशाब कर दी गई, खाना महकने लगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद उनके लिखे हुए, रखे हुए रजिस्टरों पर अश्लील शब्द भी लिखे गए, कई सारी बातें लिखी गई। इसके बाद क्या हुआ साहब, जनाब ये तस्वीर देखिए जरा। सुधार ले आओ भाई, सुधार ले आओ। दूसरी बात ये, इन्हें संतुष्ट कर दो, बात खत्म है। जैसे भी कराना, वैसे बड़ी बड़ी पंचायतें, बड़ी बड़ी चीजें आपने देखी होंगी, समझी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीर, ऐसी चीजें, ऐसी बातें निकलकर समाज में आ रही हैं जो शायद ही आपको हैरतगंज डाल दें। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे इतनी मानसिकता गिर सकती है कि कोई लेडी सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात महिला के लंच बॉक्स पर पेशाब कर देता है। एक बार जरा इसकी महिला की पूरी बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर क्या बताना चाह रही है। आप किस पद पर तैनात है, क्या है पूरा? सहायक अध्यापिका हूँ मैं यहाँ पे, गांव है बत्तर। क्या है, क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि 7 दिसंबर की शाम को हम स्कूल आए यहाँ पे, और छुट्टी के समय हम बंद ही करके जा रहे थे कि ये गौरव इलेक्ट्रिशियन है, वो कमरे में आए और वो बोलो कि जी मुझे फिटिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा जी अब तो छुट्टी का समय हो रहा है, फिर कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कीमती कागज हैं, टीचिंग प्लान्स वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अरुण जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने इसी समय बोला है कि ये कार्य अभी संपन्न पूर्ण किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भाई आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। कहने लगे मैडम हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है और हम काम करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आप जब 8 दिसंबर को भारत बंद के कारण मैं छुट्टी पे रही और यहाँ पे कुछ 2-3 टिफिन रखे थे, उसमें मेरे नाश्ते का सामान था और मैं यहीं छोड़ गई। मैंने कहा हम अगले दिन इसको आके खा लेंगे। जब मैं 8 दिसंबर को मैं छुट्टी पे रही, जब मैं 9 दिसंबर को सुबह आई तो सुबह यहाँ चेकिंग आ गई और एक मैडम थी यहाँ चेकिंग पे, हम उनके साथ बैठे रहे। और मैं 1:30 बजे फिर मैं जब मैं अपने कमरे में गई, मैंने अपना टिफ़न खोला तो उस टिफ़न में जो है एक पैड पड़ा हुआ था और पैड के अंदर, उस टिफ़न के अंदर पेशाब किया हुआ था। और हमारी जो ई लर्निंग की कॉपीज थी, रजिस्टर्स थे, वो फाड़े हुए थे बिल्कुल, और उनपे बहुत गंदे गंदे शब्द मेरे और मधुलिका
मैडम है शिक्षा मित्र, उनके बारे में बहुत गंदे गंदे वाक्य लिखे हुए थे। और जब मैंने अपने स्टाफ को बुलाया तभी मैंने कहा देखो, मैंने सोचा इसमें रुमाल है, जैसे मैंने उसे उठाया जमीन पे गिराया उस पर, तभी चींटियां और मक्खियां आ गई बहुत सारी, और वो बिल्कुल पेशाब में भीगा हुआ था, मेरा टिफिन में भी पूरा पीला हो रहा था वो टिफिन मेरा। तो जब मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा अपने स्टाफ को, मैंने कहा जी आप देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये किस तरह से किसने किया। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि ये बात आप जो है ये मैडम चेकिंग के लिए आई हुई है, ऋतु त्यागी इनके सामने कुछ भी नहीं कहेंगे, और आप हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इस मामले को हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे किसने किया है। उसके बाद से आज 10-11 दिन हो गए, मैं अपने स्टाफ को कह कह के थक गई हूँ कि कुछ आप पता लगाएं कि ये इतना घिनौना कृत्य किसने किया है, लेकिन कोई भी बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। बात करती हूँ मैं ही करती हूँ, एक दो सेंटेंसेस में मुझे जवाब दे दिया जाता है, हाँ मैडम करेंगे, हाँ मैडम करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। अब मुझे हार के कल गाँव में जाना पड़ा, गांव वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप मेरी हेल्प करें और मैं इस मामले को आगे तक ले जाऊंगी, एबीएसए मैम से शिकायत करूंगी, बीएसए से करूंगी और मुख्यमंत्री। आरोप किस पे मैडम, आप आरोप किस पे लगा, टीचर है वो, क्या मामला है टीचर वाला? ये स्टाफ का ही मामला है चाबी, तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ कि किसी पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन ये लोग कह रहे हैं सबके ये बच्चों ने किया है, लेकिन बच्चे तो हमारी जब हम ताला खोलते हैं तभी एंटर होते हैं, हम अंदर ही बैठे रहते हैं, तो बच्चे हमारे सामने तो टिफिन के अंदर टॉयलेट नहीं कर सकते, गंदा गंदा नहीं ले सकते, हमारी कॉपीज हमसे ही लेके नहीं फाड़ सकते। टीचर का नाम क्या है मैडम इनका, किनका, जिनका आरोप है टीचर पे? ये एक तो यहाँ पे जो चाबी रहती है वो तो जो अरुण शिक्षा मित्रा उनके पास में रहती है पूरे 3 स्कूलों की चाबी, लेकिन मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रही हूँ, जो सच्चाई है मुझे तो सच्चाई का पता करना है कि ये काम किया किसने है, और मुझे अपने स्टाफ का सहयोग चाहिए इसमें, अपने अधिकारियों का सहयोग चाहिए इसमें। प्रिंसिपल कौन है मैडम आपकी? इस समय तो कुसुमलता शर्मा है इंचार्ज मैडम, मैंने उनको भी बोला, मैंने सबको बोला, मैं 10 दिन से परेशान हो रही हूँ, सबसे विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कितनी टीचर है मैडम इसमें? इसमें 11 टीचर्स हैं यहाँ पे। गंदी बात की है इसमें? हाँ जी, गंदी बात लिखी हुई थी बहुत मेरे बारे में और मधुलिका पाल के बारे में जो शिक्षा मित्र है। अब क्या मामला है मैडम, आपने जो आरोप लगाया शिक्षक पर, ये क्या मामला है? ये शिक्षक है जो ये जैन शिक्षक बैठे हैं, आप इनमें आरोप लगाए, क्या है मामला? हाँ, मुझसे हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, जैसे मेरी एमएलसी चुनाव में ड्यूटी थी तो आप पर्ची लाएंगी यहाँ पे हमें दिखाएंगी, जबकि इन्होंने लिस्ट में मेरा नाम देखा भी, पूरी इंक्वायरी की मेरी कि देखो इसका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, कहीं ये घर पे तो नहीं बैठी हुई है। और इसी प्रकार से जब मेरी इंटर कॉलेज में ड्यूटी थी जय हिंद में, तब भी इन्होंने कहने लगे, जैसे उन्होंने एक दो ड्यूटीज मेरी फालतू लगा दी, तो ये ड्यूटी चार्ट नया बनवाएगी और यहाँ लाके जमा करेगी इसको। हर चीज का मुझे यहाँ पे प्रमाण देना पड़ता है, मेरा मानसिक रूप से 8 साल से शोषण हो रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं कार्रवाई चाह रही हूँ इसके ऊपर, या तो यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए, बस सबसे बड़ी तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैं शांति से रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत मानसिक शोषण यहाँ मैं झेल चुकी हूँ, मानसिक प्रताड़ना मैं झेल रही हूँ यहाँ से। अब तक मैंने किसी को, मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाफ की बात किसी के समक्ष नहीं लाऊंगी, लेकिन अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने गांव वालों से सपोर्ट मांगा और मैं अपने अधिकारियों के भी समक्ष जाऊंगी इस समस्या को लेकर। हालांकि पूरी तस्वीरें सुन ली, देख ली और समझ भी ली, आपसे ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार समाज की मानसिकता के गिरते तौर पर हम आपके साथ हाजिर होंगे किसी ना किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो इस पे लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों, परिचितों, मिलने वालों को जरूर करें।